नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। भोपाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। भोपाल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देर रात तक बैठक चली है। शाह का चुनावी रणनीति पर अभी रात तक मंथन किया गया। करीब 4 घंटे तक बीजेपी की बैठक चली। शाह ने सीनियर लीडर्स के साथ वन टू वन चर्चा की और चुनावी रोडमैप को लेकर उनके द्वारा निर्देश दिए गए विजय संकल्प यात्रा निकालेगी बीजेपी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। समिति का नाम भी तय किया गया। तो आपको बता दें कि समिति का नाम भी इस बैठक में तय किया गया। विजय संकल्प यात्रा भी बीजेपी के द्वारा निकाली जाएगी। बीजेपी के द्वारा कई चुनावी रणनीति जो है वो बनाई गई है। तो आपको बता दें कि भोपाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। देर रात तक ये बैठक चली। करीब 4 घंटे तक बीजेपी की बैठक चली है और इसमें शाह ने लीडरशिप की है। वहीं शाह ने सीनियर लीडर्स के साथ वन टू वन चर्चा की है। चुनावी रोडमैप को लेकर उनके द्वारा निर्देश दिए गए। विजय संकल्प यात्रा भी बीजेपी के द्वारा निकाली जाएगी। चुनाव से जुड़ी समितियों का भी नाम तय किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से सामने आ रही है। तो आपको बता दें, भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। शाह का चुनावी रणनीति पर आधी रात तक मंथन किया गया है। करीब 4 घंटे तक बीजेपी की यह बैठक चली है। भोपाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी की तैयारियां जो है वो जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। बैठकों का दौर जारी है और लगातार दौरे का दौर भी लगातार जारी है। केंद्रीय नेतृत्व जो है कमान संभाले हुए, और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है भोपाल दौरे पर है। ये तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे, उन्हें उनका स्वागत किया गया। उसके बाद उनका जो रोडमैप है वो भी तैयार किया गया है। तो वही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रहा है। शाह जो है अपने मंत्र लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देने के लिए लगातार उनके द्वारा कवायद की जा रही है, और वही चुनावी मंत्र उनके द्वारा दिया जा रहा है। सीनियर लीडर्स के साथ उनके द्वारा मंथन किया गया, चर्चा की गई, वन टू वन चर्चा उनके द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्प वृक्ष देकर उनके द्वारा स्वागत किया गया है। वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे, उनके द्वारा भी पुष्प वृक्ष देकर उनके द्वारा स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें भी हम बराबर जो है फ्लैश कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो भोपाल से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और इस पर नजर बनाए रखी है बीजेपी, और अब जो है चुनावी मोड में बीजेपी जो है नजर आ रही है। लगातार अमित शाह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नजर बनाए हैं। दौरे उनके लगातार जारी है और इसी बीच भोपाल के दौरे पर है अमित शाह। देर रात तक उनके द्वारा बैठक चली गई है। तो वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। तो आपको ये भी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव है और इसकी तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है भोपाल दौरे पर पहुंचे हैं और देर रात तक, करीब 4 घंटे तक जो है बैठक चली, और इस बैठक में उनके द्वारा मंथन किया गया और कई रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है, चुनावी रणनीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है और उनके द्वारा बड़ा दाव चल रहा है। कमलनाथ ने किसानों को खुश करने वाली घोषणाएं की है। वहीं कमलनाथ को पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के साथ कमलनाथ ने जो कहा है, उससे पहले मध्य प्रदेश की जो सियासी बाजी है वो पलटती हुई दिखाई दे रही है। कमलनाथ ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में किसान न्याय योजना लेकर आएंगे और इसी के साथ खेती के लिए किसानों को 12 घंटे
तक लगातार बिजली उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस की सरकार आई तो कर्ज माफी की योजना भी जारी रहेगी। किसानों को 5 HP तक मोटर पंप की बिजली मुफ्त होगी और इसी के साथ और आगे कहा कि किसानों के पुराने बिजली बिल के साथ माफ होंगे और इसी के साथ किसानों को जो लगातार बिजली दी जा रही है वो भी दी जाएगी। आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। कांग्रेस जो है ये लगातार वादे करती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच कमलनाथ के द्वारा ये घोषणाओं पर बीजेपी ने तंज कसा है। भाजपा की झूठी घोषणा है, किसानों को कैसे धोखा दिया, हमेशा कहते रहे कि खेती का को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान का आयु दोगुना करेंगे, प्रदेश के किसानों की आय कम हुई। जिनका इतिहास न्याय का रहा है वो न्याय योजना की बात कर रहे हैं, जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया वो न्याय की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आप तो बड़े संस्कृति ज्ञाता थे कि किन लोगों के उसमें आके आप ऐसी घोषणाएं कर गए? आपको मालूम है कि नहीं आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है और काय बात की है और कैसी है वो? अरे जो आपने घोषणा की है 5 HP की पंप की किसानों के माफ करने की, उसका 92% और 93% तो सब्सिडी पहले से ही सरकार दे रही है। मतलब 100 रुपया पे कुल 7 रुपया किसान दे रहा है, 8 रुपया दे रहा है, किसने ज्ञान दिया आपको? और आप क्या समझते हो मध्य प्रदेश का किसान आपको समझता नहीं है? धन्यवाद दो कमलनाथ जी कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपके द्वारा डिफॉल्टर किए गए किसानों को 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनके खाते में पैसा डाल करके उन किसानों के जीवन में खुशी लाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चुनावी साल में यात्राओं का दौर अब शुरू हो चुका है। ऐसे में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए संत रविदास सरद सांता यात्रा का आगाज उनके द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यात्रा को शांति स्नेह प्रेम और सद्भावना के साथ और आत्मीयता का प्रतीक उनको बताया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिले के बैढ़र से संत रविदास समरसता यात्रा को रवाना किया। यात्रा सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना और दमोह जिलों से होते हुए 12 अगस्त को सागर में खत्म होगी, जहां संत रविदास का विशाल और भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। विंध्य के सिंगरौली जिले से हुई समरसता यात्रा की शुरुआत, सागर में होगा यात्रा का समापन। सागर में बनेगा संत रविदास का भव्य मंदिर, 100 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर, पीएम मोदी रखेंगे मंदिर की आधारशिला। यात्रा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी के विचारों पर चलकर प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विश्वास संकल्प के साथ जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं। संत समाज के शिरोमणि रविदास महाराज जी अद्भुत संत थे। उन्होंने जाति के छुआछूत के भेदभाव के विरुद्ध समरसता का संदेश देते हुए मानव कल्याण का रास्ता दिखाया। ऐसे संत रविदास जी महाराज, उन्होंने जाति पाति छुआ छात और कुप्रथाओं सबका जमकर विरोध किया। जो कमाते थे वो भी दीनों दुखियों में बांट दिया करते थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान हर गांव में एक मुट्ठी मिट्टी और जल लिया जाएगा। करीब 53,000 गांवों से माटी और 315 नदियों का जल लेकर मंदिर निर्माण समरसता यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेंगी। यात्रा के दौरान संत रविदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित रथ भी चलेगा। इस रथ में उनका चित्र, पादुका और कलश रहेगा, जिसका जगह जगह पर पूजन होगा। मुझे बता के खुशी है, एक मुट्ठी मिट्टी और जल हर गांव का जल जाएगा मंदिर के निर्माण के लिए। हर गांव की माटी जाएगी, 53,000 गांव से माटी और 315 नदियों का जल लेकर मंदिर निर्माण समरसता यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेगी। 12 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। मंदिर में संत रविदास जी की स्मृतियों पर आधारित म्यूजियम, लाइब्रेरी, भक्त निवास आदि बनाए जाएंगे।
संत रविदास जी के नाम पर भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क भी बनाया जा रहा है, जिसमें 6000 बच्चों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। संत रविदास जी की इंटरप्रिटेशन म्यूजियम बनाएंगे। म्यूजियम की गैलरी में उनके महान जीवन को दर्शाया जाएगा। भक्ति मार्ग और निर्गुण पंथ में जो योगदान है उस योगदान को दिखाया जाएगा। तीसरी गैलरी में संत रविदास जी के दर्शन का और विभिन्न मतों पर प्रभाव और रविदासिया पंथ के विषय में बताया जाएगा। चौथी गैलरी में उनके काव्य साहित्य और समकालीन विवरण को समर्पित होगी। लाइब्रेरी बनेगी, संगत हाल बनेगा, कुंड बनेगा। सागर के पास बड़तूमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमण रविदास का विशाल और भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। बीजेपी को उम्मीदें हैं कि रविदास के सहारे उसको दलित मतदाताओं का प्यार वोट के रूप में मिलेगा। भोपाल से अंशुल वीरेन की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की घोषणाओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोषणा करने में नंबर वन है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ऐलान करती है और फिर भूल जाती है। उन्होंने 2018 में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं हुआ। सिंधिया ने कहा कि जनता इससे अच्छी तरह वाकिफ है। इसमें आप लोगों को कुछ नई बात लग रही है? आप लोग भूल गए 2018 में क्या हुआ था? किसान का कर्जा माफ करेंगे कहा था, कर्जा माफ किया किसानों का। 10 दिन में नहीं होगा तो हम ये कर देंगे। कांग्रेस घोषणा करने में और मैनिफेस्टो करने में एक नंबर आती है सत्ता के कुर्सी पे बैठने के लिए, उसके बाद जनता को पूर्ण तरीके से भूल जाती है और जनता इस व्यवहार से अच्छी तरह आज वाकिफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और हमने करके दिखाया। अब अगली खबर बालाघाट से सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि विधायक गौरी शंकर जो है बिसेन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने चौंका देने वाले बयान दिया है। दरअसल बिसेन ने बीजेपी नेता प्रदीप जायसवाल का उनके द्वारा विरोध किया गया था लेकिन अब टिकट मिलने पर उनका समर्थन का भरोसा दिला रहे हैं। बिसेन ने बीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कमलनाथ मेरी बेटी को कांग्रेस में लाने के लिए बात कर रहे थे लेकिन मैंने कहा कि पहले सीएम तो बनकर दिखा दीजिए। उसके बाद बिसेन ने कहा कि कमलनाथ मुंगेली लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अभी कमलनाथ जी मुझे मिले थे विधानसभा में 12 तारीख को। मैं उनको चावल और आम आपके लोग उठाने निमंत्रण देने गया था। बोले भाऊ तेरी बेटी को मुझे नगर से चुनाव लड़ूंगा और मिनिस्टर भी बनाऊंगा। मैंने कहा आप मंत्री कब बन रहे हो? सीएम पहले खुद तो कुछ नहीं बन सकते। मुंगेरी लाल के सपने देखो कमलनाथ। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में खस्ता हाल सड़कों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने गेड़ी में चलकर खराब सड़कों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अपने पुराने जमाने में लोग कीचड़ के चलते चलने के लिए गेड़ी का इस्तेमाल करते थे और वही कीचड़ वाली इस सड़क को देखकर बरबस होकर गुजरते दौर को याद कर रहे हैं और ऐसे में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने गेड़ी का इस्तेमाल किया है। जो रास्ता है वो आपके सामने है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, मोटरसाइकिल में गिर जाते हैं, गाड़ियों के चैम्बर टूट जाते हैं और लगातार मांग करने के बाद जब सरकार जो कि कहीं ना कहीं अंधी और बहरी हो गई है उनको नहीं अपनी आवाज़ पहुंच रही तो एक अनूठा प्रदर्शन हमने किया। हमारी पुरानी परंपरा थी कि उस समय पे प्राचीन लोग जब रास्तों में कीचड़ मच जाता था चल नहीं पाते थे तो गेड़ी के माध्यम से चलते थे। उस पुरानी याद जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी विकास पर्व मना रही है वो विकास के दावे यहाँ पर खोखले हो रहे हैं। उन्हीं विकास के दावे के खोलने के लिए आज हमारे क्षेत्र के युवाओं ने गेड़ी चलाकर अपना विरोध।
जबलपुर के बरगी विधायक संजय यादव ने अपनी विधानसभा में भविष्य में भेंट कार्यक्रम के तहत शासकीय स्कूल में छात्र छात्राओं से भेजकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। और इसी कड़ी में संजय यादव ग्राम पंचायत में अमान हिनोता के शासकीय हाई स्कूल पहुंचे। छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए छोटे से कमरे और गलियारे का सहारा लेना पड़ रहा है। विधायक यादव ने जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। अमान हिनोता के स्कूल का जायजा हमारे संवाददाता जबलपुर के फतेह सिंह ने लिया। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर की बरगी विधानसभा में जो शासकीय स्कूल हैं उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। इसको लेकर जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं संजय यादव, वो यहाँ पर स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके साथ हम भी यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के आमा हिनोता ग्राम पंचायत में। खासकर आपको दिखा दें कि जो स्कूल की जो गलियाँ हैं उसमें ये जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने को यहाँ पर मजबूर हैं। इसके साथ ही जो आप जो तस्वीरें सामने देख रहे हैं ये काफ़ी शर्मनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि इन्हें जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें यहाँ पढ़ने की जगह नहीं मिल रही है। जब पहले हम तस्वीरें दिखा दें आपको, ये कोठरी नुमा में जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक संजय यादव जी मौजूद हैं। हम जानते हैं भाई साहब, काफ़ी गंभीर मामला आमा हिनोता में, बच्चों को जगह नहीं है, क्या मानते हैं आप? देख लीजिए नाकामी है, मतलब शिवराज का स्कूल चले हम अभियान है, क्या हो रहा भाई इस प्रदेश में कि जहाँ हमारे बच्चों को बैठने, कैसी टीचर बेचारी पढ़ा रही हैं, आज उम्र में बच्चा बैठ नहीं पा रहे हैं, किस दुख दर्द में वे बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको शिक्षा लेना है, क्योंकि आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है कि ये शहर जा सकें। और आज आप हालात देख रहे हैं, बरसात में बौछार आती है, मतलब बरसात आती होगी तो स्कूल बंद हो जाता होगा, आप कहाँ पढ़ोगी? हाँ नहीं मतलब है, लेकिन बिचारी कैसे बैठेंगी, भीगते थोड़ी ना बैठेंगी। सर परेशानियाँ तो बहुत हैं, जैसे कि बैठने के लिए मतलब पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है। बच्चे जैसे अगर से 15 हैं तो सिर्फ 10 बच्चों को बैठने के लिए ही जगह है, और बच्चे एडजस्ट करके बैठते हैं, जैसे बैगों को साइड में रखते हैं और फिर बैठते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी गंभीर मामला है इस वक्त। जो जो आमा हिनोता का जो स्कूल है यहाँ पर, जो ये स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और इसके साथ ही जो यहाँ की छात्राएं हैं वो साफ तौर पर मांग कर रही हैं कि उन्हें इस स्कूल में एक तो जगह दी जाए, दूसरी इन्हें यहाँ पर लाइट पंखे जैसे जो सुख सुविधाएँ यहाँ मिलती हैं वो यहाँ पर दी जाएँ। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। दमोह जिले के पौड़ी गांव में तालाब फूटने से तबाही का मंजर देखने को मिला, और वही गांव वालों के पहले से सूचना देने के बाद भी पुलिस प्रशासन और स्थानीय विधायक वक्त रहते समस्या का हल नहीं खोज पाए, और यह जांच और सजा क्या गांव वालों को ही भला मिल पाएगी? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीरों में जिस गांव को आप देख रहे हैं वो है दमोह जिले का पौड़ी गांव। मंगलवार सुबह तालाब फूटने से पहले लोग यहां खुशहाल थे, अब इस गांव की तस्वीरें डराती हैं। इन भयावह तस्वीरों के पीछे की कहानी भी भारी प्रशासनिक और राजनीतिक लापरवाही को बयां करती है। सोमवार शाम करीब 5 बजे तालाब की दीवार में दरार आने की पहली सूचना प्रशासन को मिली थी, लेकिन तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, जिसके वजह से भरा पूरा हरा भरा गाँव तबाह बर्बाद हो गया। पानी के डर से जो जिस हाल में था उसी हाल में सुरक्षित स्थान के लिए घर बंद करके भागा। गांव तो समय पर खाली हो गया, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए पूरी रात ग्रामीण यहां वहां भागते रहे। अब ग्रामीणों का दर्द और गुस्सा निकल रहा है। विधायक जी ने क्या किया है कि जो लोग आशा जिनके मकान टूटे हैं और गिरे हैं उनके साथ तो नहीं देखा, लेकिन विधायक जी गाँव में जाके घूम रहे हैं, जिनका नुकसान नहीं हुआ है, उनकी गरीब स्थिति के आदमी चार चार छह छह मकान टूटे हैं वहाँ पर नहीं देखा। मंगलवार सुबह वो तबाही आई जिसको लेकर गांव के लोग प्रशासन और स्थानीय विधायक से गुहार लगा रहे थे। सुबह करीब 5 बजे तालाब फूटा और पौड़ी सहित 2 गांव पानी में समा गए। जब पानी उतरा तब चारों तरफ तबाही नजर आई। 2 गांव के 1600 लोगों की गृहस्थी का पूरा सामान डूब गया, खाने पीने पहनने ओढ़ने तक के लिए कुछ नहीं बचा। पानी के कहर से 24 घंटे में हस्ती खेलती तस्वीर बदल चुकी थी, जहां देखो कीचड़ और गंदगी नजर आ रही थी। घरों में रखा राशन पानी में बह चुका था, जो बचा था वह मिट्टी में सन चुका था, सब पानी पानी हो गया था। ऐसे हालात में जिले के कलेक्टर पहुंचे, गांव के हालात देखे और हर संभव मदद की बात कही। हम लोगों ने सबसे पहले जो वहाँ के आसपास के गांव जो डूब क्षेत्र में आ सकते थे टूटने की संभावना पर, उन सबको रात में ही खाली करा दिया था। SDRF की टीम
पुलिस की टीम और रेवेन्यू की टीम के माध्यम से डैम जो था सुबह 5 बजे करीब टूटा, मगर किसी पशुधन जनहानि कोई किसी प्रकार की नहीं हुई है और खेत में फसलों का कुछ नुकसान हुआ है, मकानों में कुछ पानी भरा है जिसका हम लोग सर्वे करा रहे हैं। बुधवार को पौड़ी और जेतगढ़ के हालात का जायजा लेने केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। सपनों का आशियाना बर्बाद होने का गम महिलाएं नहीं छुपा पाईं। तालाब का निरीक्षण करने के बाद मंत्री पटेल ने जिम्मेदार पीएचई विभाग के अधिकारियों पर तीखे तेवर दिखाए। समाज को भी इस आपदा में मदद करनी चाहिए। हम सबकी कोशिश होगी कि अगली बरसात के पहले ये क्लोजर हो जाए, क्योंकि अगर तालाब में पानी नहीं भरा तो आसपास के गाँव का जीवन दूभर हो जाएगा। मैं इसलिए एक जिम्मेदारी से कहूंगा कि सरकार इस बात को जरूर प्राथमिकता के साथ ध्यान देगी। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गांव वालों का गुस्सा स्थानीय विधायक के खिलाफ भी फूटा। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन और विधायक को जानकारी देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, नुकसान हो चुका है। गांव वालों की जिंदगी इस तबाही से कई साल पीछे चली गई है। अब जांच होगी, कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आएगी, लेकिन इन सब से क्या लोगों के जीवन में आया बुरा वक्त चला जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तेंदुखेड़ा से अर्पित बड़कुल की रिपोर्ट। अब तेंदुखेड़ा से अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर का असर अब देखने को मिला है। पौड़ी जैतगढ़ में तालाब टूटने का मामला हम आपको बता रहे हैं। जल संसाधन विभाग के एसडीओ एलके द्विवेदी जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं। सब इंजीनियर जीके असारी को भी उनके द्वारा सस्पेंड किया गया है। कलेक्टर के प्रस्ताव पर कमिश्नर ने भी कार्रवाई की। दोनों अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। INS 24x7 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। इसके बाद असर देखने को मिला ये बड़ी और अहम जानकारी जो है तेंदुगेड़ा से हम आपको बता रहे हैं। INS 24x7 की खबर जो है प्रमुखता से दिखाने के बाद इसका असर दिखाई दिया है। लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। पौड़ी जैतगढ़ के में तालाब फूटने का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि तेंदुखेड़ा से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। INS 24x7 की खबर का असर जो है देखने को मिला है। पौड़ी जैतगढ़ में तालाब फूटने का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। जल संसाधन विभाग के एसडीओ एलके द्विवेदी सस्पेंड कर दिया गया है और इसी के साथ सब इंजीनियर डीके अचाटी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर के प्रस्ताव पर कमिश्नर ने ये कार्रवाई की है और दोनों अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। तो ये मंजर जो देखकर सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं और कलेक्टर के द्वारा आदेश दिया गया था और दोनों अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। INS 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और इसके बाद असर भी देखने को मिला है। ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मंजर जो किस हालात में था। दो गांव जो थे पूरे तालाब में बह गए, पूरा जमीन हालात जो है वो हकीकत में देखने को मिल रहा था। उसके बाद ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं।